आप सब कैसे हो? आए हो आप सब ठीक ही होगे। तो अभी के बज रहे हैं 7 और आप सभी को गुड मॉर्निंग। और देखिएगा गाइस, यहाँ पर काफ़ी कड़क धूप निकली हुई है। तो चलो आज हम कौन सी रेसिपी बनाने वाले हैं, तो चलो हम आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग हम यहाँ से करते हैं। तो देख सकते हैं ये मैंने ऑयल रख दिया है गर्म होने के लिए। तो ये गर्म हो चुका है, अब हम चलते हैं जिस चीज़ से। तो आज हम बना रहे हैं दाल। तो आज हम बना रहे हैं दाल, तो सबसे पहले चलते हैं। हमने एक टमाटर कट कर लिया था, 4 हरी मिर्ची थी उसको भी कट कर लिया, 1 प्याज थे उसको भी कट कर लिया, 2 लहसुन की कलियां थी उसको भी कट कर लिए, थोड़ा सा हरा धनिया था उसको भी कट कर लिया है। तो अब हम लगाने वाले हैं तड़का। तो किस चीज़ से? ये है जीरा, एक मैंने सूखी लाल मिर्च ले लिए, 4-5 काली मिर्च और 1 लौंग और 1 तेज पत्ता। तो चलो अब हम तड़का लगाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं, ऑयल तो पहले ही गर्म हो चुका है। तो चलो देखिएगा गाइस, मैंने ले लिए। तो अब हम चलते हैं। तो देख सकते हैं ऑयल हो चुका है अच्छे से गर्म। तो मैंने तड़का लगाने के लिए इसमें ऐड कर दिया है। तो ये अच्छे से फ्राई हो रहा है। तो तब तक हम चलते हैं दूसरी चीज़ लेने के लिए। तो इसको हम थोड़ा स्लो कर देते हैं क्योंकि ज़्यादा गर्म हो चुका है भाई। अब हम चलते हैं, अब हम और क्या चीज़ ऐड करने वाले हैं। तो हम लेंगे थोड़ी सी हींग, क्योंकि हम दाल बना रहे हैं, दाल बादियाँ होती हैं। तो थोड़ी सी ऐड, यानी कि थोड़ी सी हींग ऐड करना बहुत ज़रूरी रहता, इसलिए क्योंकि इससे थोड़ा फ्लेवर और भी अच्छा आता है। आप अपनी रिकॉर्डिंग के हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। तो मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ जीरे। तो देख सकते हैं ये हमारा जो तेज पत्ता और वो अच्छे से हो चुका है। इसको हम अच्छे से चला लेते हैं, हमने इसको चला लिया। अब हम इसमें ऐड करने वाले थोड़ी सी हींग। तो मैंने आधे चम्मच जीरे ऐड किए हैं, आप लोग कम या ज़्यादा अपनी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो इसमें हमने ले लिए 1 चुटकी हींग। तो इसको भी मैं ऐड करने वाली हूँ ऑयल में। अब हम चलते हैं, अब हम इसमें क्या ऐड करने वाले हैं। अब इसमें जो मैंने काट के रख लिया था इसको मैं ऐड करने वाली हूँ, क्योंकि हमारे जीरे जो मसाला ऐड किया था मैंने, गरम मसाला, वो सारी चीज़ें अच्छे से फ्राई हो चुकी है, देख सकते हैं। अब इसमें ऐड करने वाले हैं हम प्याज, हरी मिर्च, देख सकते हैं हमने सब ऐड कर दिया है। इसको हमें अच्छे से फ्राई करना है। हम इसको लो करेंगे गैस, तो गर्मी मैंने से ले की थी। ये हमें अच्छे से ज़्यादा प्याज को फ्राई नहीं करना है, वरना हमारी प्याज जल जाएगी। तो देख सकते हैं ये अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब इसमें ऐड करने वाले हैं 2 लहसुन भी करने की कट कर ली थी मैंने, तो इसको भी ऐड करने वाली हूँ इसी में। तो देख सकते हैं अच्छे से फ्राई हो रही है। क्योंकि आप लोग ऐसी दाल बनाओगे ना, तो आप लोग एक बार में कई बार कोशिश करोगे इस रेसिपी बनाने के लिए। क्योंकि जब मैं बनाती हूँ ना ये रेसिपी, तो हमारी फैमिली को बहुत ही अच्छी लगती है। तो हमारी फैमिली कहती है आप वैसे ही बनाओ जैसे बनाती हूँ। तो मैं देखो जिस तरीके से बनाती हूँ, तो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं वीडियो। जब भी आप लोग बनाइएगा तो ऐसे ही बनाइएगा। जिसमें ऐड करने वाले हम टमाटर, क्योंकि इसको हम स्लो करते हैं तो वरना हमारी प्याज चल जाएगी। तो देख सकते हैं इसको भी हम थोड़ा सा हल्का सा फ्राई करेंगे, जब तक ये अच्छे से फ्राई हो रहा है। जब तब तक हम चल गए दूसरी तरफ, तो दिखाते हैं ये जो दाल थी वो अच्छे से बॉयल हो चुकी है।
तो आप ये देख सकते हैं ये अच्छे से बॉयल हो चुकी है। तो देखिएगा मैंने इसमें 2 सीटी ली थी तो, पर इसमें गलती से 2.5 सीटी लग गई यानी 3 सीटी लग गई थी। तो ये हमारी दाल है जो हलवा हो चुकी है। वैसे तो कभी भी हलवा नहीं होती है, आज धोखे में 3 सीटी लग गई है, वरना तो इसमें तो 2 सीटी ही लगती है और ये कम्प्लीट बॉयल होकर रेडी हो जाती है। तो कोई बात नहीं, एक ना एक दिन पर कभी कभार मिस्टेक हो ही जाती है क्योंकि 30 दिन वही काम करना पड़ता है। तो इतना ही, अगर हलवा हुआ तो कोई बात नहीं, क्योंकि जब हम इतनी टेस्टी दाल बनाएंगे तो सभी लोग आराम से खाएंगे। इसके साथ हम तो देख सकते अच्छे से बॉयल हो चुके हैं टमाटर। अब इसमें बारी आती है बॉयल की हुई दाल। क्योंकि हमने इसमें कोई भी मसाला ऐड नहीं किया है, आप लोगों को तो पता ही है, सिर्फ जब मैंने बॉईल की थी दाल तो मैंने क्या ऐड किया था इसमें, मैंने इसमें ऐड किया था पिसी हल्दी 1 चम्मच और 1-2 चम्मच नमक और पिसी हुई 1 चम्मच मिर्ची, और कोई चीज़ मैंने ऐड नहीं की यानी कि कोई भी मसाला ऐड नहीं किया था मैंने दाल बॉयल करने के लिए। देख सकते हैं मैंने धनिया भी डाले। तो ये फाइनली ये हमारी दाल बनकर बिल्कुल रेडी है। अगर आप लोगों को खाना होगा तो आप लोग आ सकते हैं। ओके बाय। चलो तो अब इसको हम रख देते हैं, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं ताकि जो इसमें दाल लगी हुई है तो ये आसान, जब हम बर्तन वॉश करेंगे तो ये आसानी से इसमें से निकल के बाहर आ जाएंगे। चलो हम पानी ऐड करते हैं। तो हमने ऐसा पानी ऐड कर दिया। तो देखा हमने आप लोगों को पहले ही बताया था कि देखो जो सारी दाल लगी हुई थी वो अपने आप ही पानी में